आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। सड़क हादसे में घायल युवती की मौत के बाद रीवा के संजय गांधी अस्पताल में हंगामा हो गया। परिजनों ने युवती की मौत का जिम्मेदार डॉक्टरों को ठहराते हुए जानबूझकर वेंटिलेटर हटाने का आरोप लगाया है। आक्रोशित परिजनों द्वारा आरोप लगाए जाने पर परिजनों व जूडा के बीच नोकझोंक के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। हालांकि बाद में मामले को शांत करा दिया गया है। कल क्या घटना हुई थी, किस कहां पे क्या कैसा है? डिग्री नंबर 32 में 19 तारीख को हमारी बहन का एक्सीडेंट हुआ था बस में, तो हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए, मतलब रीवा लाया गया। रीवा में उसका ऑपरेशन 19 तारीख को ही शाम को किया गया। उसके बाद उसकी हालत गंभीर बताई गई और वेंटिलेटर पे रखा गया उसको, और वेंटिलेटर पे उसकी सांसें चल रही थी। फिर उसके बाद दिनेश पटेल जी ने ऑपरेशन किया था और वेंटिलेटर बोला जा रहा था हम लोगों को कि आप मरीज़ को ले जा सकते हैं, अब ये बचने वाली नहीं, और मरीजों को वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा। फिर उसकी सांसें चल रही थी और हार्ट भी चल रहा था और इंजेक्शन दवाइयाँ भी चल रही थी। फिर कल शाम को दिनेश पटेल नहीं, उनके मतलब दो जूनियर डॉक्टर थे जिनकी ड्यूटी थी उसमें, उन्होंने कहा कि अब आप मरीज़ को ले जाएं, एक नया मरीज आया है उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। हम लोगों ने इसका विरोध किया लेकिन वो नहीं माने और हम लोगों को ज़बरदस्ती हटा करके और फिर वेंटिलेटर उन्होंने निकाल दिया और निकालते ही इसकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद जब हम लोगों ने हंगामा एक मतलब थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बात किए, विरोध किया तो विरोध ही किया जी, तो उन्होंने एक मतलब ख़राब मशीन जिसका पाइप भी फटा हुआ था, ऑक्सीजन बाहर जा रहा था, उसमें ले जाकर के दिखाने के लिए मात्र रख दिया। वो तो मर ही चुकी थी, फिर इसको मृतक घोषित कर दिया। क्या नाम था बच्ची का? सुतकीर्ति मिश्रा, कक्षा 12 में पढ़ रही थी मुशाटोला स्कूल। दरअसल रीवा के संजय गांधी अस्पताल में यह घटना बीती रात घायल युवती की उपचार के दौरान हुई मौत के बाद हुई है। बताया गया कि बीते दिवस गंगेव निवासी श्रुति मिश्रा बस से गिरकर घायल हो गई थी, जिसके सिर पर गंभीर चोट आने से उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। परिजनों ने बताया कि ऑपरेशन के बाद श्रुति को वेंटिलेटर में रखा गया था। आरोप है कि वार्ड में दूसरे मरीज के आने की वजह से श्रुति का वेंटिलेटर हटा दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई। अब आरोप है कि चिकित्सकों ने जानबूझकर वेंटिलेटर हटाया है। इस बात को लेकर परिजनों में आक्रोश भरा उठा और जमकर हंगामा किया गया। श्रुति कृति मिश्रा करके 12वीं कक्षा की छात्रा, जिसको कुछ गंभीर चोटें आई थी, और क्या मामला है, कैसे उसकी मौत हो गई, परिजनों का आरोप है वेंटिलेटर हटाए जाने से? हाँ जी, वेंटिलेटर वैसे हेड इंजरी में सिर्फ 2% केसेस में ही अपना रिकवरी के चांसेस होते हैं, और ये परिजनों को बताने के बाद ही वेंटिलेटर हटाया जाता है। अब इस केस में क्या हुआ थोड़ा सा जानकारी लेंगे हम। वैसे अच्छे से अच्छा अस्पताल हो या अच्छे से सर्जन हो, रिकवरी के चांसेस काफ़ी कम हो सकता है। समझाने में या बताने में कुछ उनका बीच में गैप हो गया होगा। सर, परिजनों का आरोप है कि उनको हटा करके खराब वेंटिलेटर पे लेटाया गया जूनियर डॉक्टरों द्वारा, ऐसा नहीं? खराब तो वेंटिलेटर तो एक ही जैसे रहते हैं, खराब या अच्छे में तो खराब में तो रखने का कोई चांस ही नहीं है, मरीज के लिए हित में ही सब काम करते हैं। ये आरोप तो पाइप फटी हुई थी, नहीं, ये कहना गलत है। सब तो वेंटिलेटर तो अच्छा ही लगाया जाता है।